Hello friends, welcome to question answers. So today's our topic is matrix. Matrix rows and columns से बना होता है, जो horizontal lines होती हैं, इन्हें हम rows कहते हैं, and जो vertical lines होती हैं, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, ओके? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंड करके ही मैट्रिक्स बनता है। 1, 2, 3, 4, ये हुए 4 रोज, ओके? समझ में आ रहा है? इस तरह हुए 4 रोज एंड 1, 3, 4, ये हमारे हुए 4 कॉलम्स, ओके? तो जीरो से नंबर शुरू होता है, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ओके? जो हमें क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे दिया है, पहले इसको हम फिल कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। यहाँ पे मैंने ये कंसेक्यूटिवली लिखा है, बट वहाँ पे अरेंज नहीं होता है वो, ये सफल होके लिखा होता है। तो हमें ये कैसे पता करना है कि किस नंबर को कौन सा वर्ड, सॉरी, किस वर्ड को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे लिखा है 23 एक नंबर दिया है हमें। अब 23 किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। तो ये 2 जो होता है ये रो के लिए होता है, एंड 3 जो होता है कॉलम के लिए होता है। लाइक 2 जो है हम यहाँ इस साइड से देखेंगे, रोज़ में जो 2 नंबर है, एंड 3 कॉलम्स में, ये हुए हमारे 2 नंबर। एंड इन दोनों को यहाँ मिलाएंगे तो यही आता है L। तो 23 जो है वो L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में सपोज़ यहाँ पे अगर देता है BAD, बैड वर्ड को कौन कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो सपोज़ यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे 4, उनमें से हमें करेक्ट आंसर को टिक करना होता है। अब बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 01, 01, कॉमा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 00। जो मैंने आपको बताया जो पहला वर्ड होगा वो रोज़ के लिए, सॉरी पहला लेटर रोज़ के लिए, नंबर रोज़ के लिए होगा, सेकेंड नंबर कॉलम के लिए होगा। और डी को रिप्रेजेंट कर रहा है 03। तो बैड वर्ड को ये 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए हमें कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। सो हेयर इज़ आर एक्सरसाइज। हम क्वेश्चन नंबर 6 to 8 करेंगे। एक्चुअली मैं 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी, तो 6 to 8 हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी ऑफ द अल्टरनेटिव्स। द सेट ऑफ नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्लास ऑफ अल्फाबेट्स एज इन 2 मैट्रिक्स गिवन बिलो। द नंबर्स, सॉरी, द कॉलम्स एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4 एंड दैट ऑफ मैट्रिक्स 2 आर नंबर्ड फ्रॉम 0, 5 to 9। अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। एग्जाम्पल ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 68, 86 एसेक्ट्रा एंड सी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 57, 88 एसेक्ट्रा। Identify the set of the words given below. Okay, जो भी क्वेश्चन शुरू होते हैं उनमें ये ऐसे सेम ही ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो सीधे क्वेश्चन चलते हैं। ओके, ये है फिगर, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने आप समझाने वक्त मैंने एक ही बॉक्स बनाया था, बट यहाँ पे 2 बॉक्सेस रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है और सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इसलिए एक अगर हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो 6 to 8 भी सॉल्व करके हमें समझ में आ जाएगी और ओवरऑल मैट्रिक्स में होता क्या है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 6 देखिए, लॉक वर्ड दिया हुआ है। तो लॉक वर्ड को कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम एल देखेंगे, एल अब हम पूरे बॉक्स में देखेंगे एल है कहाँ पे, ठीक है? हाँ, या तो सही तरीका, 2 तरीके होते हैं, या तो आप लेटर को खुद ही वर्ड्स लिए, सॉरी नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स लिख लें, या फिर जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप देखें कि वो करेक्ट है कि नहीं। लाइक 41 देखें कि 41 पे एल है कि नहीं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बेटर होगा कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही आंसर्स पता करें, क्योंकि अगर हम खुद से एक सेट ऑफ नंबर्स बनाते तो हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि
एल जो है वो एक ही नहीं है, वो दो है, मैट्रिक्स वन में भी है और मैट्रिक्स टू में भी है, तो हमें पता नहीं क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन में कौन से वाला हो सकता है, इसलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो लॉक, सबसे पहला ऑप्शन दिया है ए 41, 59, 78, 20, तो हम पहले 41 चेक करेंगे, 4 इधर है एंड 1 इधर है, एल है सही है, 59, 59 ओ है, 78, 78 एम, ये हमारा गलत हो गया कि 78 में यहाँ पे हमें सी देना चाहिए था बट यहाँ पे एम हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन होता है गलत। तो 22, 2 एंड यहाँ से 2, एल सही है, ओ सॉरी 95, 9 यहाँ से 9 एंड यहाँ से 5, ये ओ सही है, 76, 76 सी, 31, 31, तो यहाँ पे ये सही, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है सही है, बिल्कुल टोटली फॉलो करा है। ओके, अगर हमारा बी सही हो गया तो हमें बाकी सब कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में दिया है सिंग, एस आई एन जी, तो पहला ऑप्शन है 40, 40, यहाँ है 4, यहाँ है 0, एस सही है, 66, 6 एंड 6, यहाँ पे दिया है टी, यानी ये हमारा गलत हो गया, ये सेकंड पॉइंट पे ही गलत हो जाता है। अब हमें बी के देखते हैं, 23, 2 एंड 3, एस सही है, 66, यहाँ पे भी 66 टी दिया, ये ऑप्शन भी अपने आप ही गलत हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सी में, 44, 4 एंड 4, एस है, 98, 9 एंड यहाँ से 8, आई है, 32, 3, 2 एन सही है, 42, 4 एंड 2 जी, यानी हमारे ये सिंग वर्ड जो है वो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन के थ्रू हमारा सिंग वर्ड करेक्टली बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही कैसे हुआ, 44 जो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 98 जो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 जो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 42 जो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, RIDE राइड। ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं, 67, 6 एंड यहाँ 7, R है, 66, 6 एंड 6, फिर से यहाँ पे T लिखा है एंड यहाँ पे I लिखा है, ये हमारा ऑप्शन सीधे ही गलत हो गया। B 97, 97 R है, 33, 33 यहाँ पे 33 सीधे ही गलत हो गया, 33 पे यहाँ पे डी दिखाया है और यहाँ पे 33 पे आई होना चाहिए था, हमारा ऑप्शन बी भी सेकंड पॉइंट पे गलत हो गया। अब क्वेश्चन सी ऑप्शन 55, 55 आर, 98 एन, 9 8 आई सही है, 30, 30 डी, 56, 56 ई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। ओके, तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर होता है, सॉरी फर्स्ट नंबर जो होता है वो रो में हमें देखना होता है और जो सेकंड नंबर वो होता है हमें कॉलम में देखना होता है। ठीक है, तो क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा।